दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार पोल कोल पोस्ट की ओर से आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के फास्ट एंड फ्यूरियस रास्ते पर। जी हाँ, आज से कई वर्ष पहले, पिछले वर्ष ही पहले फास्ट एंड फ्यूरियस नामक एक मूवी आई थी जो कि एक्शन से भरपूर थी। सिंगरौली की सड़कें भी एक्शन से भरपूर हैं। जी हाँ, कल रात देर में एक दुर्घटनाग्रस्त, दो ट्रेलर एक साथ ही यहाँ पर मौजूद है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ही एक ट्रेलर धराशायी होकर गिर पड़ी है, पूरा का पूरा कोयला बिखरा पड़ा है। पर अभी तक क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है तो इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। बहरहाल ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी की मृत्यु हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा नज़दीकी बनाए। ये पहले ट्रेलर का हम कवरेज आपको दिखा पा रहे हैं और इसके बाद हम आपको रोड के उस पार भी दिखला पाएंगे कि दूसरी ट्रेलर किस प्रकार से गिरी हुई है। अब हम सड़क के इस पार हैं और आपको दिखा पा रहे हैं कि दूसरी ट्रेलर भी किस तरीके से गिरी पड़ी है। ट्रेलर का जो डाला है वो इस प्रकार से गिरा पड़ा है। हमारे जस्ट उसके पीछे उसका केविन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके डाले में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसके मेन जहाँ से डाला कनेक्ट होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी क्योंकि डाला टूट करके ही गिर चुका है। तो बहरहाल हम आपको ये दिखा पा रहे हैं कि सिंगरौली में ये कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आम जनजीवन को इसका बहुत ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। कुछ लोगों से आइए हम चर्चा में शामिल होते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ है। आगे कुछ लोग आए हुए हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और इनसे एक बार पूछेंगे कि क्या कहानी हुई थी। जी भाई साहब, कैसे हुआ ये? भैया हम नहीं बता सकते कुछ। आपको पता है भैया कैसे? रात में अचानक आई और गिर गई, लोड करके गुरबी से और महदैया जा रही थी। अच्छा, महदैया ये वाली गाड़ी जा रही थी? हाँ। अच्छा, इसमें क्या, ये कोयला ही है ना? कोयला। ओके, गलती किसकी थी इसमें? नहीं, गाड़ी ये पहले पलटी है, भोर में पलटी है। अच्छा, ये भोर में पलटी है? उसमें जिस गाड़ी के टकराने से नहीं हुआ है, पहले अभी भोर में पलटी है। रात में 10 बजे करीबन लोड करके निकली और अचानक डाला टूटा फेंका गई। अच्छा, तो इसमें कह सकते हैं कि लोगों ने मेंटेनेंस को ध्यान में नहीं रखा होगा? हाँ, मेंटेनेंस ध्यान नहीं रखा, नहीं रखा। उसमें ग्रीस वगैरह नहीं थी, सूखा हुआ था। और उस गाड़ी की क्या कहानी है? उसमें तो सारी चीज़ें, अब उसमें अब भगवान जाने, किसी की जिंदगी, किसी की मौत तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी खाली गाड़ी खड़ी हो गई आगे जाके, चलते चलते अचानक टूट गया, वो तो निकल गया इंजन आगे। उसके बाद CG 15 AC 4392 इसका केवल डाला बस टूटा। बहरहाल मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के रेलवे स्टेशन से समीप में ही सिंगरौली मार्ग के ऊपर और बताना चाहेंगे कि आए दिन ऐसी दुर्घटनाओं का सामना आम जनजीवन को करना पड़ता है। कैमरामैन जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार पोल खोल पोस्ट की ओर से, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, अपने सुझाव निरंतर हमें भेजते रहिए और प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ नज़दीकी से बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।